नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों आज हम एडोबी फोटोशॉप की एक नई ट्रिक सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया है। इस ट्रिक को जानने के लिए हम पहले एक इमेज ओपन करेंगे। ये इमेज हमने ओपन कर ली है। इस इमेज में क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी भी इमेज पे हम काम करते हैं और पहले हम उसे जूम कर लेते हैं और उस पर कोई भी चेंजेस करते हैं। समझो अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट को हटाना है, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से स्टैम्पिंग चूज करूँगा। मैंने कीबोर्ड से यस दबाया और अल्ट दबा के एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया और मुझे अब ये ऑब्जेक्ट मुझे अभी हटाना है। ये होने के बाद मैं पूरा अपना इमेज जूम आउट करता हूँ और फिर मुझे समझ आता है कि हाँ मैंने इस ऑब्जेक्ट को हटा दिया है। लेकिन अगर उसी इमेज का हमें काम करते वक्त अगर प्रीव्यू देखने को मिलेगा तो चलिए इस ट्रिक को हम वापस से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने वही इमेज ओपन कर ली। यहाँ से मैंने विंडोज़ में जाके अरेंज अरेंज में यहाँ पे आपको एक न्यू विंडो और उस फाइल का कोई भी नाम रहेगा उसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे दो इमेज ओपन हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इस पहले इमेज वाले का ये डुप्लीकेट है। नहीं दोस्तों, ये पहले वाली इमेज है, खाली हमने एक साथ ओपन कर ली है। तो यहाँ पे सही से देखने के लिए हम अरेंज में जाके टाइल ऑल वर्टिकली करेंगे और यहाँ पे हम पूरा इमेज, दूसरा जो टैब है हमारा, उसमें हम पूरा इमेज हम एक साथ देख सकते हैं। और हमें जो भी इमेज में चेंजेस करना है वो हम पहले वाले इमेज में करेंगे। यहाँ पे हमने जूम कर लिया और हम इस इमेज में जो भी चेंजेस करेंगे उसका तुरंत प्रीव्यू हमें दूसरे इमेज में दिखाई देने लगेगा। हालांकि ये डॉक्यूमेंट एक ही है, लेकिन हमें काम करने में आसानी रहेगी। चलो अभी ये इमेज हम क्लोज कर देते हैं। अगर कोई दूसरा एक इमेज ओपन करते हैं उसमें रिटच करते हैं। हमने ये इमेज ओपन कर लिया। अगर हमें इसमें रिटच करते हैं जूम करके, यहाँ पे मैंने अरेंज में न्यू विंडो, यहाँ पे हमने अरेंज टाइल ऑल वर्टिकली, यहाँ पे हमारा एक इमेज और पहले वाला इमेज हम जूम करते हैं और इसमें हम रिटच करते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड से मैंने जे दबा दिया, हीलिंग टूल। दूसरे इमेज में हमें उसका चेंजेस दिखाई देने लगेगा। तो हमें बार बार जूम इन जूम आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तुरंत उसका प्रीव्यू सामने वाली विंडोज में देख सकते हैं। हालांकि ये एक ही इमेज है, इसमें हम एक फिल्टर लगा देंगे पोर्ट्रेचर। बस इसी तरह। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको ये ट्रिक, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।